नवाज शरीफ के बारे में हमें बताइए कि अब वो दोबारा से जो चौथी बार वजीर आजम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, और पाकिस्तान वापस आएंगे कब, आ रहे हैं जल्द, कोई कार्ड्स बताते हैं आपका कुछ? मैं कार्ड निकाल के देख लेती हूँ, ये मैंने वैसे अलग से देखा नहीं था कि वो आएंगे पाकिस्तान के, नहीं, लेकिन मुझे ऐसा इस वक्त तो पॉसिबिलिटीज नहीं लग रही कि वो इस वक्त राइट अवे पाकिस्तान आएंगे, ऐसा नहीं लगता। लेकिन जो है, और उनकी जो है गवर्नमेंट भी इतनी स्ट्रांग आगे जाके नज़र नहीं आती, इवन दो जब हम सोशल मीडिया वगैरह पे देखते हैं तो लगता है उनकी काफ़ी सपोर्ट भी है, एक तरफ बहुत पसंद भी किया जा रहा है उनको। हाँ जी, तो लेकिन कार्ड्स कुछ और कह रहे थे, लेकिन देखते हैं इस वक्त क्या नज़र आता है। तो 2022 को खुश आमदीद हम लोगों ने कहना है, कुछ ही दिन रह गए हैं और इस हवाले से कैसा रहने वाला है, और ख़ास तौर पर सियासत की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, और नवाज शरीफ के बारे में जिस तरह मैंने राबिया से पूछा था, राबिया आपने क्या देखा, फिर कार्ड्स क्या बताते हैं उनकी हुकूमत के बारे में, वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वापस? वापस इस वक्त आते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा। राइट अवे, लेकिन एक चीज़ है कि जो इनकी जो बेटी हैं मरियम नवाज शरीफ, उनकी नज़र आता है कि एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहेंगी इस सारे साल, उनकी तरफ से काफ़ी एक्टिव नज़र आती है करती हुई अपनी यू नो एफर्ट्स, लेकिन इनकी एफर्ट्स बहुत हैं, बहुत पुश करेंगे, कंट्रोवर्सीज भी खड़ी होंगी, गवर्नमेंट के खिलाफ भी खड़ी होंगी, लेकिन उसके बावजूद इनका कोई मेजर गवर्नमेंट की तरफ चेंज नज़र नहीं आता कि जैसे दिल टेक ओवर पाकिस्तान, ऐसा नज़र नहीं आता। मतलब वो टफ टाइम देते हुए हमें नज़र आएंगी, टफ टाइम बिल्कुल देती हुई नज़र आती हैं। तो अगर बिलावल के हवाले से अगर मैं पूछूं तो उनका क्या आपको लगता है कि वो आएंगे हुकूमत में, क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स? बिलावल जो हैं, टू बी ऑनेस्ट, उनका हुकूमत वो एज अ पोलिटिकल पार्टी एज अ लीडर नज़र आते रहेंगे फॉर ईयर्स, ठीक है, लेकिन उनकी कोई एज सच स्टैंडिंग नज़र नहीं आती, एज सच कोई मेजर उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस या मेजर कुछ चेंज लाते हुए या एकदम से पार्टी में आते हुए, आई मीन पार्टी को सामने लाते हुए नज़र नहीं आते, ठीक है। तो उनकी गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा, या उनकी पार्टी सॉरी जो है वो वीक है। ये वैसे काफ़ी कोशिश करते रहेंगे अपने अंदर, आई मीन चेंजेस लाने की, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर या अपने अंदर चेंजिंग लाने, ये कुछ शायद मुल्क से बाहर भी कुछ टाइम गुजारेंगे आगे जाके, that I don't know why the reasons, but इनका कुछ मुस्तकबिल मुल्क से बाहर दिख रहा है, कार्ड पे हमें बताया गया है। हाँ, ठीक है। और अगर पाकिस्तान की ओवरऑल बात की जाए, इसकी मईशत के हवाले से बात की जाए, तो हमें वो बताइए 2022 में क्या बेहतर की तरफ हो जाएगी, क्योंकि अभी ये दो साल तो हम लोगों ने बहुत जो है वो टफ गुजारे हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो हमें जो है स्ट्रगल ज़रा ज़्यादा ही फेस करनी। अच्छा। इन जनरल भी जो भी हुकूमत होती ये स्ट्रगल तो रहनी थी कहीं ना कहीं, लेकिन एक है बात कि जो 2022, आई एक्सप्लेन अ लिटिल बिट विद न्यूमरोलॉजी, ठीक है, ये नंबर 6 पे ऐड होता है, अगर आप 2+0+2+2 करते हैं 6 पे ऐड होता है, सिक्स नंबर होता है वीनस प्लैनेट का, ठीक है। तो वीनस कहते हैं ना कि वीमेन आर फ्रॉम वीनस, राइट, तो वीनस का जो एक लफ्ज में अगर हम डिफाइन करते हैं वर्ड को, तो इट्स ब्यूटी, ओके, तो सारी खूबसूरत जो औरतें हैं आपकी, जो ये जो इंडस्ट्री है ब्यूटी की इंडस्ट्री है, जिसमें ब्यूटिशियंस हैं या फैशन इंडस्ट्री है, टीवी मीडिया, इस सब की तरक्की के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं, ओके, हत्ता कि जो है बिजनेसेस जैसे कि रेस्टोरेंट का बिजनेस है या एनी इंडस्ट्री रिलेटेड टू क्रिएटिव फील्ड के लिए बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। तो बिजनेसेस को अपने आप को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट्स लगाने चाहिए, तो मीडिया के थ्रू पाकिस्तान के अंदर अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। और एक चीज़ है लेकिन कि मईशत जो है, जो इकॉनमी है, वो थोड़ी सी टफ़ रहेगी इन जनरल, क्योंकि ओवरऑल पूरी दुनिया में ही एक स्ट्रगल है। पेट्रोल की प्राइसेस अभी बेहतर नहीं होंगी, गैस की प्राइसेस बेहतर नज़र नहीं आती हैं, तो ये वाले पे स्ट्रगल 6-8 महीने के लिए तो बिल्कुल है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा, पर ये कि ये आप इसको एक रिकवरी का साल बोल सकते हैं।